से देखेंगे जहां पर ईओडब्ल्यू मुख्यालय पहुंचे हैं मुकेश गुप्ता। फोन टैपिंग मामले में बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं वकील अमीन खान के साथ पहुंचे हैं ईओडब्ल्यू के दफ्तर। पूछताछ शुरू हो गई है जांच अधिकारियों के साथ। कमरे में एसपी कल्याण एलएसएला भी मौजूद हैं। तो फोन टैपिंग मामले में मुकेश गुप्ता ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। अपने वकील अमीन खान के साथ दफ्तर पहुंचे हैं ईओडब्ल्यू के जांच अधिकारी के साथ। कमरे में एसपी कल्याण एलएसएला भी मौजूद हैं। विशेष संवाददाता आशीष तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, मुकेश गुप्ता ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंच चुके हैं, पूछताछ शुरू। हाँ देखिए, बिल्कुल मुकेश गुप्ता नान घोटाले मामले की जांच के दौरान फोन टैपिंग मामले के आरोपी बनाए गए हैं और ईओडब्ल्यू लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। 6 तारीख को हालांकि उन्हें ईओडब्ल्यू ने नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, लेकिन तब उन्होंने अपनी बेटी की बीमारी की दलील के साथ वक्त मांगा था कि वक्त आगे बढ़ा दिया जाए और उन्हें आज की तारीख दी गई थी। और आज मुकेश गुप्ता यहां पर बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं। जो आईओ है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अल्बर्ट कुजूर, वो ईओडब्ल्यू के एसपी कल्याण एलासेला की मौजूदगी में उनसे सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि इस वक्त मुकेश गुप्ता के साथ उनके जो एडवोकेट हैं, जो वकील हैं अमीन खान, उनकी भी मौजूदगी कमरे में बनी हुई है। कमरे में आशीष जी, अगर जितना हम शॉर्ट्स में देख रहे हैं, मुकेश गुप्ता की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हाँ वो अब परेशान हो रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जिस मामले के आरोपी बनाए गए हैं मुकेश गुप्ता, बेहद संगीन आरोप उन पर लगे हैं। नान घोटाले मामले की जांच उनके ही ईओडब्ल्यू प्रमुख रहते हुए शुरू की गई थी और घोटाले का उजागर हुआ था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली और जांच की दिशा को आगे बढ़ाई गई तब चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए थे। और तथ्य ये भी मिला कि इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उन्होंने बड़े पैमाने पर फोन टैपिंग की है और भारतीय टेलीग्राम एक्ट के तहत ही उन्हें आरोपी बनाया गया था। और उसके बाद जरूर उन्हें हाईकोर्ट से रियायत मिली, हाईकोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगी हुई है, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग देने का भी आदेश जारी किया था और ईओडब्ल्यू उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि दूसरी मरतबा आया था मुकेश गुप्ता ईओडब्ल्यू पूछताछ के लिए, बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। जी बहुत शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट हम आपसे देंगे। तो ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचे हैं मुकेश गुप्ता, फोन टैपिंग मामले में आरोपी हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कई अधिकारियों के साथ कमरे में एसपी कल्याण एलएसएला भी मौजूद हैं। कितने घंटे यह जांच चलेगी, अब से कुछ देर बाद हमें भी पता चल जाएगा। तो चलिए बोले